वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल निरॉक एजुकेशन में। और आज के इस सेशन में हम लोग बुक रिव्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग यहाँ पर स्पेक्ट्रम की बुक देखेंगे, यानी कि मॉडर्न इंडिया और आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम की बुक और जो राजीव अहिर के द्वारा लिखी गई है। तो यह जो बुक है काफ़ी छोटी सी दिखती है और ये नोबेल टाइप बुक है, दैट मीन्स आप देख रहे होंगे नोबेल की जैसी दिखती है यह बुक और काफ़ी ये मोटी है। और पहले की अपेक्षा इसमें जो न्यूअर एडिशंस है इसमें बहुत सारे चीज़ को ऐड कर दिया गया है। तो लोग पहले बहुत सारे किताबें मॉडर्न इंडिया के लिए पढ़ा करते थे, लेकिन अब सिर्फ इसी बुक से आप बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड स्टडी की इसमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी मोटी किताब है, तो इसमें आपको डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये मैंने बताया कि ये नोबेल स्टाइल में यह लिखा हुआ है, तो नोबेल स्टाइल में लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना होगा। और बहुत सारे बुक्स वैसे मार्केट में अवेलेबल हैं, सेपरेट बुक्स बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन विदाउट अ डाउट आप इस बुक को ख़रीद सकते हैं क्योंकि ये समझिए कि कॉम्बो पैक की तरह है कि बहुत सारी चीज़ इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें हम यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा कि 445 रुपीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है, लेकिन ये डिपेंड करता है बुक सेलर टू बुक सेलर की कितने रुपीज़ इसको आपको डिस्काउंट के रूप में वो दे रहे हैं। लगभग मिनिमम 10% तो डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर टेबल ऑफ कॉन्टेंट आप देख रहे होंगे, तो बहुत सारे यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है और लगभग 40 यहाँ पर ये चैप्टर्स हैं आप देख रहे होंगे। मैं इसको कंटिन्यूसली पलटते जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लगभग 40 यहाँ पर चैप्टर्स हैं। तो इंडिया आफ्टर गांधी की भी जो भी मटेरियल्स है वो भी यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये, और चैप्टर वाइज इसमें समरी भी दी हुई है कि प्रत्येक चैप्टर्स के अंत में एक समरी दी, क्योंकि हिस्ट्री है तो जो काफ़ी डिटेल्स में दिया हुआ है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको पेसेस की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर बैटल ऑफ पलासी, तो आगे और पीछे क्या हुआ सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है, इसीलिए ये बुक इतनी मोटी सी दिख रही है। अगर लास्ट पेज की लास्ट की तरफ देखें, यानी कि बैक यानी कवर पर देखें, तो बहुत सारे अपेंडिक्स के रूप में भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे प्रेजेंट मोमेंट, कौन कौन से लोग हैं जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो अपने अपने फ्रीडम स्ट्रगल्स में भाग लिए हुए थे, उनके बारे में भी उनकी छोटी सी शॉर्ट बायोग्राफीज़ वगैरह भी यहाँ पर दी हुई है। तो इस तरीके से यह बुक काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनकी एनुअल सेशंस के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, तो काफ़ी हेल्पफुल ये बुक है। आप बिना किसी मन में होता डाउट को लाए हुए इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। और ये देख लीजिए आप, इसकी मोटाई इतनी है और जो मैंने बताया जैसे कि ये नोबेल की तरह दिखता है, ये बहुत छोटा और कॉम्पैक्ट यह बुक है। इस बुक का जनरली लोग यूज़ करते हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस के दौरान, तो ये काफ़ी हेल्प काफ़ी से मदद मिलता है। एक चीज़ मुझे इस बुक में थोड़ा सा ये लोग को और इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे कि ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं इसमें, ताकि ये पता चलता है कि हाँ किन किन टॉपिक से क्या क्या आ रहा है। लेकिन वैसे आप सिलेबस देख करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे तो भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वरना अगर जो शुरू में इसके स्टार्ट करने वाले होंगे या जो इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए काफ़ी हो सकता है कि बोरिंग जैसा लगे। तो समरी आप देख सकते हैं इसका, या ऑनलाइन जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उनको आप देख करके उसके साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको अगर ये बुक परचेज़ करनी है तो उसमें आपको एक बूस्ट मिला होगा या हेल्प मिला होगा कि हाँ ये बुक सही है, मैं इसे परचेज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।